आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद हरदोई स्थित सांडी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एक चिकित्सक पर लापरवाही से इलाज करने का आरोप लगाया गया है। मामला 29 सितंबर की शाम का है। मोहल्ला नौसहरा निवासी वैभव पाठक ने बताया, उसके पिता आयु 65 वर्ष, हाई बीपी की वजह से ग्रस्त रहते हैं। पिता राम सड़क को तेज बुखार की वजह से सांडी CAC लाया गया, जहां पर मौजूद डॉक्टर कल्पना यादव ने बगैर कुछ जांचे परखे लापरवाही से पर्चा बनाकर ढेर सारी दवाइयां दे दी। वैभव पाठक ने जब दवाइयां और पर्चा देखा तो सच चकरा गया। पर्चे पर मरीज रामसड़ की आयु 33 वर्ष लिखी थी, उसी के हिसाब से सारी दवाइयां दे दी गई। इस लापरवाही का एहसास जब डॉक्टर कल्पना यादव को करवाया तो तुरंत पर्चा फाड़ कर अपनी गलती छुपाते हुए मरीज रामसड़ व उसके पुत्र पर उग्र हो गई। वह वार्ड बॉय से पिता पुत्र को धक्के मारकर बाहर भगाने को कहा, जिससे मामला तूल पकड़ गया। इसकी शिकायत पर मौके पर पहुंचे CMO डॉक्टर राजेश तिवारी ने दोनों पक्षों को गंभीरता से सुनते ही वार्ड बॉय को स्थानांतरित करते हुए चेतावनी दी। न्यूज 9 भारत के लिए हरदोई से मोहित शर्मा के साथ मोहम्मद आरिफ की रिपोर्ट। यदा कल CSC पर क्या मामला आपका हुआ था? मैं कल CSC में दवा लेने गया था, वहाँ पर मैडम बैठी थी इमरजेंसी वार्ड में, और वहाँ मैं बैठ गया। मैं तो हमसे उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं और दवा लिखने लगी पर्चे पर। दवा लिखने के बाद में उन्होंने हमसे तब बहुत बाद में नाम पूछा। नाम पूछने के बाद में मैंने 65 वर्ष अपनी उम्र बताई, 33 वर्ष उन्होंने उम्र लिखी मेरी, और उसके बाद में मतलब लड़के ने कहा कि आपने ना इनको चेक किया ना कुछ किया, वैसे दवा लिख दी आपने। उन्होंने पर्चा फाड़ दिया। पर्चा फाड़ने के बाद में दवा भी हमको नहीं दी, और मतलब उधर वार्ड बॉय आ गया, वार्ड बॉय ने मोबाइल छीन लिया। मोबाइल छीनने के बाद में मोबाइल तोड़ दिया और उधर हाथ चला दिया, तो मैंने मना किया उसको। हम क्यों हरकत कर रहे हो, बिना मतलब लड़ाई लड़ रहे हो? आप पर्चे दे दीजिएगा। मैं अपने जूनियर हाई स्कूल रिटायर्ड टीचर रामचरण पाठक, मुला नौसारा सांडी। आप कौन हैं? आप मेरा पर्चा क्यों फाड़ दिया? बिल्कुल बनाएंगे वीडियो, कोई गलत कर रहे हैं क्या? आपको डॉक्टर आपको 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 पेशेंट से ये पूछना चाहिए, आपको फीवर पूछा, आपने ये चेक किया कि कितना फीवर है, क्या है, BP है या नहीं? तो फार्मासिस्ट यहीं थे? आप क्या है? आपको कहना था कि दवाई निकाली, आप कह रहे हैं दवाई निकाली, आपने चेक किया? आप कभी 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 आए, कभी कुछ हुआ है? नहीं हुआ तो ये क्या तरीका, आपने दवाई लिख दी है, ये भी नहीं देखा कितना टेम्परेचर है, पेशेंट का एज क्या है। आप लिख रहे हैं 33, बता रहे 65, सामने से नहीं दिख रहे हैं ये कितने साल के, 33 साल के दिख रहे हैं आपको? आप कौन है, क्या है यार? मैं वैभव पाठक, पुत्र श्री रामचरण पाठक, कल अपने पिताजी को CSC सांडी पे दवाई लेने के लिए लेके गया था, और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर कल्पना जी मिली थी वहाँ, तो उनको मैंने दिखाया पिताजी को, तो उन्होंने बुखार की दवाइयाँ लिख दी, ये भी नहीं पूछा कि टेम्परेचर क्या है, BP क्या है, आपको फीवर कब आया था, और आपने कोई ट्रीटमेंट लिया या नहीं लिया। तो ये मैंने उनसे कहा, मैम आपने कुछ पूछा नहीं और इतनी सारी दवाइयाँ लिख दी, तो बोली इससे तुम्हें क्या दिक्कत है, और उन्होंने पर्चा फाड़ दिया। जब उन्होंने पर्चा फाड़ दिया तो मैंने अपना मोबाइल निकाल कर वीडियो द्वारा उनसे पूछा, मैम आपने पर्चा क्यों फाड़ा, यही मैं उनसे पूछ रहा था। इसी बीच में पीछे से नशे में धुत वार्ड बॉय नीरज सिंह आए और उन्होंने मेरा मोबाइल तोड़ दिया और हाथापाई की। इसकी शिकायत मैंने मौके पर ही CMO साहब से की। CMO साहब एक घंटे के अंदर तत्काल वहाँ पर पहुँचे और मौके का मुआयना किया, जाँच की और उचित कार्य की उनको। CMO द्वारा क्या आश्वासन मिला? CMO साहब ने बताया कि CMO साहब ने डॉक्टर कल्पना से पूछा कि आपने पर्चा फाड़ा, बोली हाँ मैंने फाड़ा है, बोले क्यों फाड़ा, तो रोने लगी। CMO साहब ने कहा कि वीडियो तो कोई भी बना सकता है, और उसके बाद में आज मैंने जब CMO साहब से बात की तो उन्होंने कहा उसको वहाँ से हटा दिया गया है वार्ड बॉय को, और डॉक्टर कल्पना जी को आखिरी चेतावनी दी गई है। पर्चा फाड़ा था तो CMO साहब के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया? जी ऐसा किया, और वहाँ पे कुछ पत्रकार लोग मौजूद थे, सामाजिक लोग मौजूद थे, उनके सामने एक्सेप्ट किया उन्होंने कि मैंने पर्चा फाड़ा।
यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत, नमस्कार।